हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, इसकी वजह से मैंने दो तीन वीडियोस अपने आवाज़ के बिना ही अपलोड कर दी है म्यूज़िक लगा के। तो आपने अगर वो वीडियोज नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोग के लिए। सिर्फ एक क्लचर से मैंने बहुत सारे बहुत ही ईजी एंड स्टाइलिश से बन बताए हुए हैं। तो आज भी मैं ये छोटे वाले क्लचर की मदद से, ये देखिए, ये वाले क्लचर की मदद से बताने वाली हूँ तीन बहुत ही सुंदर से। शादियों का सीज़न चल रहा है तो शादियों में बना सको आप, पार्टी वगैरह में, और ठंडियाँ चल रही हैं तो आप इस टाइप की हेयर स्टाइल्स बना सकते हो। तो ये एक छोटे से क्लचर के मदद से आप तीन बहुत ही सुंदर से हेयर स्टाइल बना सकते हो। कौन कौन से हेयर स्टाइल है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड मेरा सेकंड चैनल है ड्रेस डिजाइनर प्रीत तिवारी, जिसमें ब्लाउज की अमेजिंग डिजाइनिंग अपलोड करते रहती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पर आपको मेरी रील्स वीडियोज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए बहुत बातें हो गई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा वो यहाँ पे मैं साइड पार्टीशन से ही कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको मिडिल पार्टीशन से भी कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन लेना है बालों का। इस तरीके से ट्विस्ट करते जाना साथ साथ में। ओके, अगर आपका ये फ्रंट वाला बहुत छोटा है मेरी तरह, तो आप इसको ऐसे छोड़ भी सकते हो, ऐसे भी काफ़ी अच्छा दिखेगा ये। दो या तीन लेयर्स में आप इस तरीके से ट्विस्टिंग कर लो। इसको एक बार यहाँ पे होल्ड करने के लिए मैं यहीं पे इसको सेट कर रही हूँ टिक टैक क्लिप की मदद से। दूसरी साइड भी सिंपली आपको इस तरीके से करना है, थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके ट्विस्ट कर देना है, जिससे कि जो आपकी ये मांग निकल रही है वो प्रॉपर स्ट्रेट हो, अच्छे से स्ट्रेट निकलनी चाहिए ये मांग। यहाँ पे इसको भी मैं क्लिप से सेट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि जो हमारी ट्विस्टिंग है वो खुल ना जाए, बस इसके लिए। ये सारे हेयर स्टाइल आप पार्टी में, शादी में बना सकते हो। अगर आपको मांग टीका ऐड करना है तो आप पहले मांग टीका ऐड कर लो, बाद में आप हेयर स्टाइल स्टार्ट करना। यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही ट्विस्टिंग कर रही हूँ, आप चाहो तो और भी बना सकते हो, तीन कर सकते हो, चार कर सकते हो, पतला पतला सेक्शन लेके। अब ये दोनों सेक्शन मैंने एक साथ लेके इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया है। अब इस साइड के भी दोनों सेक्शन को ओपन करेंगे जो लेयर्स हमने ली थी, और इनको भी एक साथ ट्विस्ट कर देंगे। अगर लगे कि थोड़ा सा खुल रहा है तो आप थोड़ा और ट्विस्ट कर लीजिएगा इसको। बैक में जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग ऐड करते हो, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। एक क्लचर से आप किसी भी कलर का क्लचर यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे रेड यूज किया है। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया और शादी पार्टी के लिए। तो ये है हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल, जो कि काफ़ी अच्छी लगेंगी। ठंडियों का टाइम चल रहा है, आप वेडिंग सीजन भी चल रहा है, तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। आप इसके साथ टीका ऐड करोगे तो बहुत ही प्यारा लुक आ जाएगा, और थोड़ा सा मेकअप कर लो तो बहुत स्टाइलिश सा एंड इजी भी है और स्टाइलिश भी है। तो कोई ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत हैवी सा कोई हेयर स्टाइल कर रखा है, एंड बहुत क्यूट सा और ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल आ जाएगा। तो चलिए सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। सेकंड हेयर स्टाइल में सिंपली आपको यहाँ से थोड़ा सा सेक्शन लेना है बालों का, और एक फ्रेंच ब्राइड जो होती है वो बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा सेक्शन ऐड कर देना है इसके अंदर बालों का। अगर आप गर्ल्स हो तो ये सारे हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारे लगेंगे आपके ऊपर, और आप न्यूली मैरिड हो एंड बालों को ओपन रखना है, या फिर मायके में हो, जैसे कि आपको पल्लू नहीं लेना है, तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई करना।
हल्का हल्का सा खींच लेंगे ताकि जो लेयर्स है वो हमारी अच्छे से दिखे। इस साइड से आपको इसी तरीके से ओपन रखना है बालों को, और यहाँ पे इसको ले जाके क्लचर या फिर क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेना। आप क्लिप से ही सिक्योर करना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बालों को हटा देना है और इसको ऊपर से बालों को रख लेना है, तो साइड से कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा। और इस साइड से इसी तरीके से ओपन रखना है। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, इस साइड से तो ऐसे ही रखना है और एक साइड लो बन यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सारे बालों को एक साइड में कॉम करके इस तरीके से ले आना है। यहाँ से ये थोड़ा सा लेयर छोड़ते हुए यहाँ से अगेन हम लोग थोड़ा सा सेक्शन लेंगे बालों का और थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो हमारी उल्टी फ्रेंच चोटी होती है ना, वो यहाँ पे हमको बनाना है। वेडिंग पार्टी के लिए बना रहे हो तो आपको ये लेयर्स फ्लिक्स जो कटे हुए हैं ये आप छोड़ दीजिएगा, अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेके ऐड करते जाना है इसमें। इसको बनाने के बाद से थोड़ा थोड़ा सा इसको खींचेंगे जिससे कि इसमें थोड़ी वॉल्यूम ऐड हो जाए। पूरा एंड तक छोटी बना लेंगे और इसको एक क्लिप की मदद से अलग से सिक्योर कर लेंगे ताकि जब हम लोग इधर का बन बना लें उसके बाद इसको ऐड करना है। उसके बाद सारे बालों को एक साथ पकड़ लेना है। ये लेयर्स आपको छोड़नी है, आप छोड़ दीजिए। अगर लेनी है साथ में तो आप ले लीजिएगा। यहाँ पे एक रबड़ ऐड करना है। बैक से भी देख लो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। यहाँ पे एक रबड़ ऐड कर देंगे, बीच में सेंटर में होल करेंगे एंड फिंगर को इंसर्ट करके सारे बालों को नीचे की तरफ खींच लेंगे ऐसे। उसके बाद टाइट कर देंगे यहाँ पे, और फिर हम लोग ये क्लचर लेंगे। आप छोटा बड़ा जो भी आपको क्लचर आप यूज़ करना, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा जिससे कि आपका जो बन है वो अच्छा लुक आ जाए, बड़ा बने थोड़ा सा। यहाँ पे मैं क्लचर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद सारे बालों को ऊपर की तरफ से ले जाएंगे क्लचर को हाइड करते हुए। थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे, इस तरीके से लगा दीजिएगा क्लचर को। ओके, ऊपर की तरफ से लेंगे और सारे क्लचर को हाइड करते हुए इस तरीके से बालों को ऊपर से ले जाएंगे। एंड एक छोटा वाला रबड़ बैंड लेंगे यहाँ पे, ये वाला, और यहाँ पे इसको लगा देंगे। उसके बाद एक यूपिन ले लीजिए और जो हमने रबड़ बैंड लगाई है इसके अंदर से इस तरीके से फंसाते हुए सारे हेयर को अंदर की तरफ करते हुए यूपिन से सिक्योर कर लेंगे। और ये हमारा वेडिंग बन बन के रेडी हो जाएगा शादी पार्टी में। इस तरीके से आप इसको दो तीन यूपिंस लगा लीजिए ताकि आपका जो क्लचर है वो अच्छे से हाइड हो जाए। उसके बाद हम लोग ये वाला सेक्शन जो लिए थे इसको ओपन करेंगे, बैक से लेके जाएंगे या फिर नीचे से भी लेके जा सकते हैं आप। और इसको इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेटते हुए ऊपर से ले लीजिएगा, ज़्यादा प्यारा लगेगा। और यहाँ पे एक यूपिन या बॉबी क्लिप जो भी है आपके पास उससे इसको सिक्योर कर लीजिएगा। और ये हमारा थर्ड वेडिंग बन बन के रेडी हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा बालों को खींच लेंगे जिससे कि ऊपर से फ्लैट लुक ना आए पूरा। और ये हमारा तीसरा बन रेडी हो चुका है एंड इस टाइप का लुक आएगा। इसके साथ भी आप टीका लगाओगे तो काफ़ी प्यारा सा लुक आएगा। मैंने पहले टीका ऐड नहीं किया है तो अभी नहीं बता सकती, क्योंकि पहले सेंटर पार्टी से निकाल के टीके को ऐड कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको कोई भी हेयर स्टाइल बनानी चाहिए।
तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल आप लोग को? आई होप कि पसंद आया होगा एंड बन भी काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड बड़ा सा है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की और न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।